नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर फ्राइडे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये हमारा टेक न्यूज का 71 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर फ्राइडे वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों खबरों की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा ही कि आज है बसंत पंचमी, तो सबसे पहले आप सबों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए बसंत पंचमी बहुत ही अच्छा दिन हो, मतलब कि हैप्पी बसंत पंचमी आप लोगों को। आज है सरस्वती पूजा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है कि फ्लिपकार्ट पे चल रहा था रिपब्लिक डे सेल, जो 21 तारीख से 23 तारीख के बीच चलेगा, मींस कल से चालू हुआ है जो कल तक चलेगा। दोस्तों अगर आपको खरीदना है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, या फिर आपको खरीदना है स्मार्टफोन, या फिर आपको खरीदना है एसेसरीज, तो एक बार जरूर चेक कीजिए भैया, ऑफर को मिस ना कीजिए। फ्लिपकार्ट को जाके चेक कीजिए, शायद वहां पे आपको अच्छे खासे डील देखने को मिल जाए अपने चहेते प्रोडक्ट पे। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों अगर आप यूज करते हो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन रिलेटेड एक नया अपडेट देखने को मिला है, जो फिलहाल के लिए बीटा वर्जन में आपको देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर आप एंड्रॉइड 8.0 ओरियो यूजर है तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन चैनल अपडेट को लेकर। अगर आप यूज करना चाहते हैं, मतलब कि आपको ये पसंद है, तो शायद आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है ये, जो फिलहाल के लिए बीटा में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो एंड्रॉइड 8.0 ओरियो यूज करते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ कुछ दिनों में आपको स्टेबल देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो ओरियो नहीं भी यूज करते उनको भी देखने को मिल जाएगा। और आपको पसंद है, अगर आपके पास ओरियो डिवाइस है या फिर बीटा यूज कर रहे हैं तो यूज कर लीजिए भैया। नहीं पसंद है, मतलब कि पसंद है आपके पास ओरियो डिवाइस नहीं है, स्टेबल चाहिए, वेट कर लीजिए, वो भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो की तरफ से। सेल्फी खींचो भाई वीवो की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल में ही सिनेप्टिक्स के साथ पार्टनरशिप करके आपको CES 2018 में वीवो ने अपने एक डिवाइस को निकाल के दिखा दिया था, जहाँ पे भैया फिंगरप्रिंट जो आपका देखने को मिलेगा स्क्रीन पे ही। स्क्रीन पे सटाइए आपका मोबाइल अनलॉक, आपको इधर उधर खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इधर उधर हम नहीं बैठाएंगे फिंगरप्रिंट, बैठाएंगे स्क्रीन में पे अंडर स्क्रीन। तो ऐसे में दोस्तों उन लोगों का जो स्मार्टफोन है वीवो X20+UD शायद 25 जनवरी को हो सकता है लॉन्च, ऐसी लीक्स निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको 6.43 एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, HD नहीं Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जहां पे आपको शायद 18:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये तो खैर देखने को मिल जाएगा, एक ट्रेंड सा चल रहा है। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर हो सकता है। यहां पे एक चुतियापा क्या किया है, मतलब कि एक खराब चीज उन्होंने क्या किया दोस्तों, अभी लीक्स है, लीक्स के कारण मैं बता रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं किया गया कि इनका प्राइस शायद होने वाला 40,000 रुपये। कितना 40,000 रुपये, सिर्फ किस लिए? उन्होंने अंडर स्क्रीन डिस्प्ले बैठा दिया इसलिए। वैसे कि नहीं, बहुत ही ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। देखने वाली बात यह होगी कि स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होता है और साथ ही इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। 40,000 रुपये के प्राइस में होगा, इंडिया में लॉन्च हो जाएगा फ्लॉप, और कोई बात नहीं। इस स्मार्टफोन में कुछ कमाल है नहीं, खुद का टेक्नोलॉजी भी नहीं है सिनेप्टिक्स का। अरे दोस्तों सैमसंग देखिए, सैमसंग की बात करें, बहुत सारे पहले भी ऐसे किया था, वीवो ने किया था, क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी उठा कर ले आया, बोला मैंने अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट बैठा दिया। अरे भैया खुद का थोड़ी ना, वो तो क्वालकॉम का फिर सिनेप्टिक्स का। लेकिन जो भी है, अच्छा टेक्नोलॉजी आपको अच्छे प्राइस में प्रोवाइड करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा इंडिया के अंदर, देखिएगा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं होगा, खत्म। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी फ्लैगशिप किलर वन प्लस की तरफ से। दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है जिसके माध्यम से पता चल रहा है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को वन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर यूज किया था भैया, तो आप है खतरे में। दोस्तों ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने यूज किया था क्रेडिट कार्ड को अपने वन प्लस 5T के यानी वन प्लस के वेबसाइट पर वन प्लस के कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो ऐसे में उनका जो डिटेल्स है, मतलब उसे चुरा लिया गया, करीब करीब 40,000 लोगों का डिटेल्स चुरा लिया गया। तो ऐसे में वन प्लस से पूछा गया तो दे रही है सफाई, भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, हम इस पर जांच कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और क्या बोल सकते भैया। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है पेटीएम की तरफ से। दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है जिसके माध्यम से पता चलता है कि पेटीएम ने एक और नए ऐप को लॉन्च किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो शायद ये खबर आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। पेटीएम ने जो ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है पेटीएम फॉर बिजनेस। दोस्तों ऐसा कमाल है, व्हाट्सएप ने भी किया, कमाल क्या दोस्तों, मतलब जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए एक सही कदम है पेटीएम की ओर से या फिर व्हाट्सएप की ओर से। जहाँ आपको व्हाट्सएप बिजनेस का फीचर देखने को मिला, मतलब ऐप देखने को मिला, ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो
आपको पेटीएम है, यहाँ पे भी आपको पेटीएम फॉर बिजनेस का देखने को मिल गया। तो वैसे कि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन, अगर आप एक बिजनेस मैन तो शायद आपके लिए एक खबर अच्छी साबित हो सकती है। और आप यूज़ करते हैं, और आप वेट कर रहे थे पेटीएम फॉर बिजनेस का, तो ये आ चुका है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये ऐप लॉन्च हो चुका है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की तरफ से आ रही है। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके माध्यम से पता चलता है क्या सैमसंग अपने जे सीरीज के एक और नए कमाल के स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको शायद कमाल के फीचर देखने को मिल जाए, जैसे कि सेंसर खा जाता है अपने जे सीरीज के फोन में या फिर अपने मिड रेंज डिवाइस में, ऐसा इसमें ना करे। इसमें आपको पहले ही बताया था कि सैमसंग ने ऐसा बयान दिया, मतलब सैमसंग ने ऐसा बताया है उनका जो औहदा खो दिया उन्होंने वो औहदा को वापस लेने वाले हैं, यानी मिड रेंज में बहुत ही कमाल कमाल के डिवाइस को लॉन्च करने वाले हैं जो उस रेंज में एकदम किलर स्मार्टफोन होंगे, प्राइस भी सब स्मार्टफोन से कम होगा उस रेंज का, और साथ ही साथ सारे उस रेंज के स्मार्टफोन से बेटर स्मार्टफोन होगा। तो शायद ये स्मार्टफोन हो सकता है J828। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो क्या है जहाँ पर बताया जाए कि आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा उन्हीं का खुद का बनाया हुआ एक्सिनोस का 7885, साथ ही साथ 5.5 इंच की एक एचडी डिस्प्ले हो सकती है। यहाँ पे लीक में शायद ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन शायद मेरे को लगता है J2020 लॉन्च और शायद आपको फुल एचडी देखने को मिल जाए, फिर एचडी प्लस देखने को मिल जाए, तो बताया जा रहा है 16:9 एस्पेक्ट्रेसी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मॉडर्न कर दे सैमसंग आपको 18:9 एस्पेक्ट्रेसी देखने को मिल जाए। फिलहाल जैसा लीक इसके बारे में नहीं पता चला है, प्राइस के बारे में पता चला कि शायद 15,000 हो सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होता है और साथ ही साथ क्या आपको मार्केट फीचर लेके आता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये आ रही है अमेजोन की तरफ से। दोस्तों अगर आपके पास एक कम रैम वाला स्मार्टफोन, यानी आपके पास एक बजट स्मार्टफोन जहाँ पे आपको मिनिमम रैम है, मिनिमम स्टोरेज, मतलब कि ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है आपके स्मार्टफोन में, और आपको यूज़ करना बहुत सारे ऐप जैसे अमेजोन और भी बहुत सारे ऐप, तो इसके लिए आपके लिए खबर अच्छी से खबर साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपको यूज़ करना है अमेजोन, तो अमेजोन का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है कुछ कारण, बस नहीं सही से वर्क कर पा रहा है, लैग हो रहा है, तो अमेजोन का गो ऐप आ चुका है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जो एंड्रॉइड का प्रोग्राम था गो ओरियो को लेके बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और स्मार्टफोन आने वाले हैं गो प्रोग्राम पे, और साथ ही साथ गूगल के बहुत सारे गो ऐप भी है जैसे गूगल गो, गूगल मैप गो, बहुत सारे ऐप देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अमेजोन ने भी अच्छा कदम उठाया, अमेजोन गो लॉन्च कर दिया और बहुत सारे ऐप के लाइट वर्जन भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर क्लीन मास्टर, तो उसको तो मैं कभी भी आपको नहीं बता बोलूंगा कि इसको डाउनलोड कीजिए क्योंकि बेकार सा ऐप है, मतलब जितना भी क्लीनर सा बेकार सा है, क्लीन मास्टर लाइट, बहुत सारे ऐसे ऐप देखने को मिलते हैं जिसका लाइट देखने को मिल जाता है। बेसिकली अमेजोन अगर आप यूज करना चाहते हैं और आपके पास एक कम रैम, मतलब कि एक मिनिमम स्मार्टफोन है, बजट स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में लैग हो रहा था अमेजोन का ऐप, तो आपके लिए एक अच्छी खबर साबित है क्योंकि अमेजोन का गो ऐप आ चुका है, जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, मजे उठाइए। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो हमारे और आपके फेवरेट कंपनी की तरफ से आ रही है, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जापानीज कंपनी सोनी की तरफ से। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके माध्यम से पता चलता है कि सोनी अपने कुछ नए स्मार्टफोन पर वर्क कर रहा है, जहाँ पे आप कुछ कमाल करेगा, मतलब कुछ अटपटे चीज करेगा, जहाँ से वो माइक जैक को ही गैप कर देगा 3.5 mm का, जो ऑडियो जैक देखने को मिलता वो भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं दोस्तों हाल में ही मैंने आपको रिपोर्ट पता जहाँ पर बताया था कि जो सोनी के CEO है उन्होंने बयान ऐसा दिया था कि जिनका स्मार्टफोन है वो कंटिन्यू बनता रहेगा, वो रोकेंगे नहीं स्मार्टफोन को बनाने के लिए, लेकिन वो एप्पल या फिर सैमसंग जैसे बड़े बड़े कंपनी से कम्पटीट नहीं करेंगे, लेकिन अपने स्मार्टफोन मार्केट को बनते रहने देंगे, मतलब कि वहां पर स्मार्टफोन बने गए, तो अच्छी था दोस्तों, कम से कम सोनी लवर्स थे उनके लिए अच्छी खबर साबित थी उस समय, और साथ ही साथ अब किन्हीं को पसंद भी है, जैक किन्हीं को नहीं पसंद है, लेकिन दोस्तों मेरे लिए तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब जैक नहीं जाएगा तो कैसे यूज करेंगे, फिर बाद में तो ऐसे ऐसे एक्सटर्नल कोड आते हैं जिनके माध्यम से जैक बना सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जैक जो दिया जाता है 3.5 mm का, उसमें उसका जो क्वालिटी होता है या फिर बाद में जो आपको बायर से कर सकते हैं, क्वालिटी में अंतर नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है दोस्तों मेरे को, तो चाहिए मेरे स्मार्टफोन में जैक नहीं हुआ तो खैर मैं नहीं कर। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो हम लोगों के चहेते सोशल मीडिया फेसबुक की तरफ से आ रही है, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक के, ये जो खबर है दोस्तों फेक न्यूज़ को लेकर, जैसे कि आपको मालूम होगा कि फेसबुक बहुत सारे फेक न्यूज़ फैल चुके हैं, ऐसे में फेसबुक को उसे हटाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मीन्स उसे झेलने में आप लोगों की सहायता चाहिए फेसबुक, यानी हम लोगों की सहायता चाहिए फेसबुक को, क्योंकि अकेले फेसबुक को ये करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में फेसबुक सोच रहा है कि कुछ सर्वेज करे, मतलब कि जो फेक न्यूज़ आप ही के द्वारा दूर किया जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ, मीन्स जो रिपोर्ट निकला और बताया गया कि कुछ सर्वेज किया जाएगा फेसबुक, मतलब कुछ न्यूज़ है जहाँ पर सर्वेज किया जाएगा, आपके द्वारा ही पूछा जाएगा कि ये न्यूज़ सही है या फिर फेक है, आप लोग ही बताएंगे, मैंने सब लोगों को लगाया कि हाँ ये सही है आपको लगा, आप जैसा सर्वे दीजिए जहाँ पर उसको रिपोर्ट निकाला है कुछ एवरेज निकालेगा जिसके माध्यम से वो पता लगा सकता है, मतलब ऑडियंस रिटेंशन से वो पता लगा सकता है कि हाँ ये न्यूज़ फेक है या फिर हाँ ये न्यूज़ अच्छी है।
दोस्तों आज के अंतिम खबर की बात करें तो ये आ रही है Amazon की तरफ से। दोस्तों Amazon.in यानी Amazon इंडिया पे चल रहा बहुत ही कमाल का सेल, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन सेल, शायद द ग्रेट इंडियन डे Amazon का जो सेल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट वाले पे बोला था, मतलब पहले न्यूज़ पे, ये बहुत सारे अप्लायंस पे, साथ ही साथ बहुत सारे एसेसरीज पे और साथ ही साथ बहुत सारे स्मार्टफोन पे कमाल के छूट देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको खरीदना है किसी भी प्रकार का स्मार्टफोन या फिर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या फिर किसी प्रकार का एसेसरीज, तो एक बार जरूर चेक कीजिए Amazon.in को या फिर फ्लिपकार्ट को, शायद वहाँ पे आपको अच्छे खासे डील देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज की समाचार की सुनवाई यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी बात प्रसारित होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।